क्या हुआ? कुछ नहीं, थैंक यू। जो आपने हमें इस लायक समझा कि आपकी इतनी इंपॉर्टेंट सारी आपने हमें दी। दरअसल तुम जब से इस घर में आई हो मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, इसलिए सोचो मत। और कल मंदिर भी जाना है ना तुम्हें, मंदिर में ये साड़ी पहनकर चल। पर मैं साड़ी पहनी नहीं आती। एक तो बार कॉलेज के फंक्शन में हमने पहनी थी पर वो माँ ने हमें पहनाई थी। अरे साड़ी बांधना कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी सिखा देती हूँ। चलो प्रार्थना के कमरे में चलो। तुम यहां क्या कर रही हो? कुछ और काम नहीं है तुम्हें? शिवजी की तरह तीसरी आंख होती ना मेरी तो मैं भी अन्याय होते नहीं देख पाती, पल भर में सब कुछ जलाकर राख कर देती। कन्नू कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है, ये तोड़फोड़ करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? माँ जी की हिम्मत कैसे हुई अपनी पुश्तैनी साड़ी उस लड़की को देने की? आइए श्रीमती जी, आराम से यहां पर बैठ जाइए, बैठो शांत होकर। कन्नू इस तरह से गुस्से में आकर चीजें उठाकर फेंकने से कुछ भी नहीं होगा। और तुम क्यों नहीं समझ रही कि माँ और तुम्हारी मंशा एक ही है? बाबूजी ने भी तो तुम्हें समझाया था ना, माँ आगे के बारे में सोच कर ही उस पूनम से अच्छा व्यवहार कर रही है, पर तुम्हें खाम खा अपना खून उबालने में बड़ा मजा आता है। आप क्या चाहते हैं कि इस घर के लोग सब कुछ लुटाते रहे और मैं चुपचाप बैठ कर तमाशा देखती रहूं? माँ जी जो कुछ भी सोच कर ये सब कर रही है उससे किसी की भलाई होगी या नहीं ये सब तो बाद में पता चलेगा, पर उससे सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। जिस पुश्तैनी साड़ी को मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया वही साड़ी आज उसे उठाकर दे दी। ओफो, तुम औरतों को साड़ी और जेवर के अलावा कुछ दिखता भी है? अरे जब इतना ही गुस्सा आ रहा है तो माँ उस पूनम को जब साड़ी दे रही थी तब क्यों नहीं बोली अपनी बात? उस वक्त तो मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं बोलने वाली। इस बात का बदला मैं लेकर रहूंगी वरना मुझे चैन नहीं आएगा। कन्नू मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि अपने गुस्से पे काबू करना सीखो और कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे बात और बिगड़ जाए। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये अब ठीक है। आपने इतने प्यार से हमें साड़ी पहनना सिखाया उसके लिए धन्यवाद। ये बार बार धन्यवाद क्यों कहती रहती हो? साड़ी तुम पर खूब जच रही है,
बहुत सुंदर जी। अब हम साड़ी बदल लेते हैं। वो हम अब मैं जानता हूँ पूनम जी, आप मुझे क्या कहने आई हैं। वो मोबाइल का नेटवर्क ढूंढ रहा था, वो यहाँ सीतापुर में सिग्नल चला जाता है, तो मैं सच कह रहा हूँ पूनम जी, आप सोच रही होंगी कि मैं आपकी के तस्वीर खींच रहा था और उसके आप नाराज होकर मुझसे पूछने आई होंगी। एक मिनट, हम ये कहने नहीं आए थे। हम तो तुम्हें ये पूछने आए थे कि अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो क्या तुम हमें एक दिन लखनऊ, वहाँ जहाँ हमारे पापा काम करते हैं, ले चलोगे? पर पापा को कुछ मत बताना, वो हमें उन्हें सरप्राइज देना है। जी हाँ बिल्कुल ले चलूँगा। थैंक्स। ए भगवान, हड़बड़ी में पूनम जी से पता नहीं क्या क्या कह गया, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। पता नहीं कहां गायब रहती है। ये आवाज कैसी? बहुत अच्छी दिखती हैं आप साड़ी। बस कीजिए प्रार्थना, इतने भी अच्छे नहीं लग रहे थे हम। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो ना तो कल सुबह सबकी नजर में पड़ लीजिएगा। चलिए अब सोया जाए। अरे खिड़की बंद करके आती, वरना मच्छर रात में सोने नहीं देते। हम भी दरवाजा बंद कर देते। जब कल उस लड़की को मंदिर में पहनने के लिए साड़ी नहीं मिलेगी। पूनम, कल अम्मा ने जो आपको साड़ी दी थी ना, आप उसे पहनकर तैयार हो जाइए। अम्मा ने बोला था ना
आज मंदिर जाने के लिए वही साड़ी पहनिएगा। यही तो रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। क्या हुआ? साड़ी मिल नहीं रही है। साड़ी तो यही रखी थी, अलमारी से गायब कैसे हो सकती है? कोई बात नहीं, हम ढूंढते हैं। दीदिया, मुझे पता है कि कोई भी काम तुम बिना वजह से नहीं करती हो, फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, वो साड़ी पूनम पहने, मुझे ये बात भाई ने। तुम्हें कितनी बार कहा है बच्चों कि सुबह होते ही सबसे पहले बादाम खा लिया करो, पर तुम हो कि जब देखो सेब चबाते रहते हो। ये लो बादाम खाओ। तुमने बचपन में वो कहानी सुनी थी कबूतर की? हाँ हाँ, वो जिसमें शिकारी कबूतर को फंसाने के लिए दाना डालता है। हमारे घर में भी एक कबूतरी है जिसके लिए मैंने दाना फेंका है, बस अब इंतजार कर रही हूँ अपने बिछाए जाल में इसके फंसने का। अम्मा, आपने पूनम को कल जो साड़ी दी थी वो अलमारी से गायब हो गई है। साड़ी गायब हो गई? लेकिन ये कैसे हो सकता है? गायब तो होनी ही थी ना, जब इसे साड़ी पहनने का शौक ही नहीं है तो ये उसे संभाल कर क्यों रखेगी? देख लीजिए माँ जी, जिस लड़की को इस घर की बहू का दर्जा देकर आपने अपनी पुश्तैनी साड़ी दी थी वो लड़की कितनी लापरवाह निकली, एक रात के लिए भी उस जिम्मेदारी को वो संभाल नहीं पाई। वो ना, तुम ठीक से याद करो, साड़ी कहीं और तो नहीं रखती तुमने? इसका मतलब साफ है कि घर में चोरी हुई है, वो भी कल रात जब घर में घर के सारे सदस्य मौजूद थे। इससे यही साबित होता है कि साड़ी घर के किसी सदस्य ने चुराई। अब तो एक ही हल है इस समस्या का कि बारी बारी से सब कमरों की तलाशी लेनी पड़ेगी। सबको इस बात का पता चलना भी तो जरूरी है ना कि साड़ी किसने चुराई है। अरे सुनो, मैंने आकाश को रामनाथ केटरिंग वाले के यहाँ बात करने के लिए भेजा है, और मैं कुंदन लाल के यहाँ जा रहा हूँ, कई बार फोन आ चुका है उसका। क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए ना बाबूजी, पहले तो माजी ने अपनी पुश्तैनी साड़ी इस लड़की को दे दी, और ये लड़की उस साड़ी को एक रात के लिए भी संभाल कर नहीं रख पाई। इसमें घर के बाकी लोगों का क्या दोष है? अब माँ जी पूरे घर की तलाशी लेने की बात कर रही हैं। देखिए, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत बहुत सोच समझ कर कर रही हूँ। देखो वैसे भी मुझे देर हो रही है, कुंदन लाल का बार बार फोन आ रहा है, और वैसे भी मुझे इन घरेलू मामलों में मत उलझाया करो। माँ जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? साड़ी इस लड़की ने ही छुपाई होगी कहीं। मैं तो कहती हूँ अच्छी तरह से पूछताछ कीजिए ना, अपने आप उगल देगी कि साड़ी कहाँ छुपाई है। बिना किसी सबूत के बेसिर पैर की बात करना ठीक नहीं है। सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है माँ जी। पर मैं कह रही थी कि अगर अभी तलाशी लेनी शुरू की तो मंदिर जाने के लिए देर हो जाएगी। आप इसे कह दीजिए
अभी कुछ और पहन कर आ जाए। बात यह नहीं है कि पूनम क्या पहनेगी और क्या नहीं, बात यह है कि साड़ी आखिर गई तो कहां? जब तक वो साड़ी नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा, इसलिए तलाशी अभी ही होगी। आज इस लड़की की वजह से आप अपने ही घर में तलाशी लेंगे? ये तो सरासर घर वालों की बेइज्जती हुई ना। हम कह रहे थे कि रहने दीजिए, आप तलाशी मत लीजिए। इस मामले में किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। एक एक करके सब कमरों की तलाशी ली जाएगी और सबसे पहले मेरे कमरे की। पर तुम्हारे कमरे की क्यों? तुमने तो खुद वो साड़ी पूनम के हाथ में सौंपी थी। बच्चों, घर के सदस्यों में मैं भी हूँ और तुम तो जानते हो पक्षपात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तलाशी मेरे कमरे से शुरू होगी। और हाँ, रानी के सामान की भी तलाशी होगी। बच्चों, तुम और प्रार्थना माजी के कमरे में जाकर ढूंढो, कनु और पूनम मेरे साथ बाकी कमरों में ढूंढेंगे। ढूंढो। किसी तरह का संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे कमरे की तरह इस कमरे को समझो और अच्छी तरह से तलाशी लो। शुरू करो। तुम्हें क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा? चलो ढूंढो जल्दी से। यहां तो नहीं है। ठीक है, चलो आकाश के रूम में देख लेते हैं। दीदिया, हम लोगों ने दादी के कमरे और मेरे कमरे में अच्छी तरीके से ढूंढ लिया है, वहां पर साड़ी नहीं है। अरे बहू, ये आकाश के कमरे में क्या ढूंढ रही हो? अरे इस कमरे में तो उसके अलावा कोई आता जाता ही नहीं है। माँ जी, पूरे घर में आकाश का कमरा भी तो शामिल है ना। प्रार्थना, बच्चू तुम भी देखो जरा। अम्मा, कहीं कोई साड़ी वाड़ी नहीं है। अरे इतनी जगह तो ढूंढ लिया, अब बताइए क्या करना है। अभी जय का कमरा बाकी है। वहां भी तो ढूंढना है। आइए माँ जी। इससे पहले कि सबको पता चल जाए मैं चोर साबित हो जाऊं, कुछ करना पड़ेगा। लगता है हमारा घर तोड़ना चाहती है ये लड़की। इस बाहर की लड़की की वजह से आप मेरे कमरे की तलाशी लें, जरा सा बेइज्जती है मेरी। बहू, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अभी हमारे कमरों की भी तो तलाशी ली गई, हमें तो कुछ बुरा नहीं लगा। फिर तुम अपने मन में ऐसे ख्याल को क्यों जन्म दे रही हो? आप लोगों ने अपने कमरे की तलाशी करवाई क्योंकि शायद आपको अपमान सहन करने की आदत हो गई है। लेकिन इस बाहर की लड़की के सामने
मेरे ससुराल वाले मुझ पर शक करें, मेरे कमरे की तलाशी लें, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं यहाँ तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आई। बहस बंद करो और अंदर जाकर हमें हमारा काम करने। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना कि मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं आपको अंदर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।